हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरा MRI रिपोर्ट, तो मैं मुझे ट्रिम्स में जल्दी जाना होगा क्योंकि हम लोग का ओंको का वहाँ बहुत लाइन लंबा होता है, तो इसलिए एडवांस जाके एडवांस लाइन खड़ा करना पड़ेगा। तो मेरा एक बहन भी एडमिट है, तो उसको भी देखने जाना है, इसलिए तो मैं जल्दी थोड़ा जाऊँगी उसके बाद, और जल्दी आना है। आज बेटा और हस्बैंड सिर्फ घर में रहेगा, दोनों का हालत क्या होगा मेरे बिना। तो अभी मैं कुछ खाने पीने निकले देखती हूँ, बनाती हूँ आता। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा हस्बैंड मुझे मेन रोड तक पहुंचाएगा, उसके बाद मैं ट्रेकर से जाऊंगी। इजू भाई, और ये दो दो गाड़ी क्यों पकड़ रहा है? गाना क्यों बारे क्लास ही? कहाँ चली? लाइट आस बोरिंग है बोल। एक्चुअली मेरा बेटा जो बड़ा हो गया है, इसलिए उसको मालूम हो गया कि हम जा रहे, इसलिए वो रो रहा था। जब हम 8-9 ईयर्स के थे, ये जो रिवर है, ये नदी जो बहुत ही सफा हुआ करता था, लेकिन आज का समय में बहुत ही गंदा हो गया है। और इस नदी के साथ मेरा बहुत सारा ऐसा मेमोरी जुड़ा हुआ है जो आज सपना की तरह लगता है। और ऐसा बहुत खराब एक इंसिडेंट भी है जिसको मैं याद नहीं करना चाहता था, जिसके कारण हम कैपिटल में रहने वाले बस्ती चला गया था। तो ये नदी को देखने से वो सब कुछ ताज़ा हो जाता है। मैं याद तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी क्या करें, यही ज़िंदगी का नियम है। फिर मैं पहुँच गए अपने मंजिल की ओर। ये मंजिल, यहाँ लोगों का हमेशा भीड़ भाड़ रहता है। जब मैं MRI रिपोर्ट के लिए गया, तो उन लोग ने कहा कि 10 बजे के बाद आना, तो मैं यहाँ 9 बजे को पहुँच गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनको का वह अपना फाइल और कॉपी को रख दूँ, क्योंकि वहाँ भी लाइन बहुत लंबा होता है, तो बाद में कहीं मैम चलाना जाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ़ाइल को लेकर रख दूँगी। और मेरा एक बहन भी एडमिट है, उसको भी मिलना है, तो जितना बाकी बात काम को मैं कर लेती हूँ, फाइल को वहाँ अपने लाइन के जगह पर रख के। फिर मैं वहाँ पहुँच के पता चला कि बहन ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर का अंदर चला गया है। तो मैं ये जो प्यारी सी लड़की को लेके आ गई, क्योंकि इसको मैं 6 मंथ के बाद मिल रही हूँ, उससे पहले मैं नहीं मिला। पहले जब जन्म हुआ था उसमें मिला था, तो उसका बाद मेरा ऑपरेशन और मेडिकल प्रॉब्लम होने का कारण मैं नहीं मिल पाया, लेकिन आफ्टर 6 मंथ के बाद मैं इसको मिल पाया। बहुत ही क्यूटी है और इसका नाम केच कंपुंग है, मेरे दीदी का बेटी है। फिर 10 बज गया था, ऑलमोस्ट 10 बज के पार हो गया था, मैं MRI रिपोर्ट लेने चला गया। तो उन लोगों ने कहा कि मुझे कोरोना रिपोर्ट को चाहिए, तो मैं पूरा जितना फाइल था कैंसर का डॉक्यूमेंट उठा के लेके आ गया। तो उन लोग को मेरा जो प्रीवियस रिपोर्ट है उन लोग को देखना था, शायद MRI में कुछ गलती आया है, क्योंकि मैंने 4 बार ऑपरेशन किया है, तो वो सर्जरी का कुछ निशान वगैरह शायद दिखाई दिया होगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा पूछ रहा था। फिर मैं अपना पूरा काम करके आ गया, ऑपरेशन सक्सेस हो गया है, बहन निकल गया है, तो इसको अभी होश आने देगा। फिर मैं चले गए दवाई लेने। फिर मैं मेडिसिन के लिए नया बिल्डिंग में चला गया, क्योंकि नया बिल्डिंग में फ्री मेडिसिन मिलता है।
तो देखा कि बहुत सारा भीड़ है, तो उसमें ध्यान से देखा तो फ्री ब्लड टेस्ट चल रहे हैं। और ये जो मल्टी पार्किंग बिल्डिंग है ये मेरे हस्बैंड के ब्रदर ने बनाया है बहुत ही अच्छी तरह से, और ये कंपनी कोरिया से आया है। और उसके बाद मैं दवाई को ढूंढ ढूंढ के थक गया था, नया बिल्डिंग से पुराना बिल्डिंग दौड़ भाग करके लास्ट में मिल गया है। फिर उसके बाद मैं अपने भांजा को कुछ खिलाने लेके चला, क्योंकि वो स्कूल से अभी अभी आया है कुछ भी बिना खा के, तो मैं उसे कुछ खिलाने लेके चला। और इसने मुझे प्रॉमिस किया है कि अभी मेरा 500 से थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइबर है, और जितना बाकी रहेगा मतलब 1000 तक पहुँचने के लिए वो अपना सब्सक्राइबर ला देगा। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कब मेरा 1K सब्सक्राइबर होगा, कब मेरा यूट्यूब में मोनेटाइज होगा। आई होप जल्दी हो। अगर आप लोग भी मेरा चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा 1000 हो जाए। और उसके बाद मैं बहन को टिकटक करके मैं और दीदी वापस घर के लिए जा रहे। तो आज मेरा MRI रिपोर्ट आ चुका है, तो रिपोर्ट का हिसाब से कैंसर अभी और नहीं है। जो मेरा पेट में पहले जो विक्टम में था वो कैंसर अभी नहीं है, लेकिन बॉडी पार्ट में है कि नहीं है वो तो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग का अरुणाचल में है होल बॉडी पार्ट को चेक करने के लिए यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। उसके लिए आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा, मैम ने कहा था। तो मैम का हिसाब से उन्होंने ये बताया कि कैंसर तो नहीं है, लेकिन पेट का नीचे में जो है थोड़ा पानी है, तो वो पानी जो है थोड़ा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगा उसने कहा है। तो उसने मुझे सजेस्ट किया है कि अक्टूबर महीना रेस्ट करके नवंबर का फर्स्ट वीक को अल्ट्रासाउंड करके उसको फिर दिखाने के लिए कहा है। तो अगर वो जो पानी जो बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो खुद ब खुद गायब भी हो जाता है ऐसा कहा है, और ऐसा मतलब नॉर्मली तो होता ही ऐसा बोला है मैम जो। और अगर आप में से कोई है जो रिक्तम कैंसर से रिलेटेड कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज के थ्रू आप लोग मतलब वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में पूरा पता चल जाता है, क्योंकि बहुत सारा लोग शर्म करता है इन सब के बारे में पूछने के लिए और मालूम होने के लिए। आई थिंक आपको शर्म होना नहीं चाहिए। आप मुझे चाहे तो फेसबुक पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेंजर पर मेरा नाम वही है जो यूट्यूब पर है। आप एक बार सर्च करके मुझे टेक्स्ट करिए, मैं ज़रूर रेस्पॉन्स करूँगी। और आज के लिए ये वीडियो बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।